नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी मैक्रोन की मुलाकात, डिफेंस स्पेस AI में कई बड़े सौदे का रास्ता साफ। दिल्ली में घने कोहरे के साथ ठिठुरन भरी ठंड, 4 डिग्री नीचे रहा पारा। गणतंत्र दिवस पर बोले सीएम योगी, हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता, 25 वर्षों में भारत बनेगा विकसित देश। कर्तव्य पथ पर अयोध्या के रामलला गणतंत्र दिवस की परेड में दिखा प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप। मध्य प्रदेश के रीवा में गणतंत्र दिवस पर खाना खाते ही 58 छात्र हुए बीमार। यूपी के कानपुर में थाने बुलाकर युवक को बुरी तरह पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती दरोगा निलंबित। झांसी में 9000 मकान गिराने का प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, अटैक से रिटायर मेजर की मौत। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर पुलिस ने 2 साथी चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से माल बरामद। ओडिशा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक और ऑटो में मारी टक्कर, 7 की मौत। नीतीश कुमार के रुख से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी, दिन भर चला बयानबाजी का चला सिलसिला। फिरोजाबाद के टूंडा पुलिस ने 43 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब सहित एक आरोपी किया गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब को किया याद। दिल्ली के शाहदरा में बड़ा हादसा, बिल्डिंग में आग लगने से कई लोगों की घायल होने की सूचना। मथुरा में गणतंत्र दिवस पर पथराव और चले लाठी डंडे, मौके पर पहुंचा पुलिस फोर्स। फिरोजाबाद जिले के शुकहाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को 500 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। औरैया में भीषण सड़क हादसा, तालाब में ट्रक पलटने से कंडक्टर और ड्राइवर की मौत। गणतंत्र दिवस पर आई सेना के जवान के निधन की खबर, गांव में डूबा एटा, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं में एथनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड का हिस्सा बना दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता। बरेली में फर्जी दस्तावेज लगाकर बना अग्निवीर, 3 महीने से कर रहा था नौकरी, FIR दर्ज। ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।